बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MMH786 यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारा इस्लामिक क्विज़ पार्ट वन है। इसके अंदर इंशाल्लाह हम इस्लामिक क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और आप भी इसे याद करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पहला लेसन। पहला सवाल, नबी के लुगवी मानी क्या हैं? जवाब, गैब की खबर देने वाला। दुनिया में कितने अंबिया इकराम तशरीफ लाए? कमोबेश 1,24,000। दुनिया में कितने रसूलैन आजम तशरीफ लाए? तीन सौ तेरह। कुरान मजीद में कितने अंबिया इकराम के अस्मे ग्रामी आए हैं? छब्बीस। चार आसमानी किताबें कौन सी है? पहली तौरात, जबूर, इंजील और आखिरी कुरान शरीफ। तौरात किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। जबूर किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद का नुजूल किस महीने में हुआ? माह रमजान में। कुरान मजीद की पहली वही किस पहाड़ पर नाजिल हुई? गारे हिरा में। कुरान शरीफ की कौन सी सूरा का सबसे पहले नुजूल हुआ? सूरह अलक।
इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़ो। अल्लाह ताला ने कौन से फरिश्ते के जरिए कुरान मजीद का नुजूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर के ज़रिए से। कुरान मजीद की पहली वही नाजिल होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लर्जा तारी हो गया। कुरान के नुजूल का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किससे किया? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। कुरान मजीद का लफ्जी मतलब क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? 30। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। कुरान मजीद में कुल मक्की सूरतें कितनी हैं? 86। कुरान मजीद में कुल मदनी सूरतें कितनी हैं? 28। कुरान मजीद में कुल कितनी आयतें हैं? 6666। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? 14। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू है? 540। कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? 7।